तो गाइज अभी पठान मूवी का एडवांस बुकिंग चल रहा है और दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा एडवांस बुकिंग हो रहा है पठान फिल्म का। लेकिन दोस्तों हर के मन में एक ही सवाल है, पठान मूवी कितने फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों वॉर मूवी के बारे में और साथ साथ दोस्तों कुछ और बॉलीवुड फिल्म के बारे में। और दोस्तों बात करेंगे क्या पठान मूवी वॉर मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा नेशनल चेन में। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वेल हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी वाला। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। दोस्तों पठान का अभी तक हिंदी का फर्स्ट डे का एडवांस बुकिंग हो चुका है 18,14,46,386। और दोस्तों तेलुगु का फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग हुआ है 1,93,04,412। हिंदी और तमिल का मिलाकर फर्स्ट डे का एडवांस बुकिंग हुआ है दोस्तों 18,34,00,000 का। टिकट बिका है 5,95,911। तो वहीं दोस्तों सेकेंड डे यानी 26 जनवरी का एडवांस बुकिंग हुआ है पठान फिल्म का 10,19,00,000 का। टिकट बिका है 3,43,372। बात करें दोस्तों नेशनल चेन के बारे में तो आपको मैं बता दूं, नेशनल चेन में आता है पीवीआर का टिकट, आईनॉक्स का टिकट और सिनेपोलिस का टिकट। तो अभी तक दोस्तों पठान का नेशनल चेन में टिकट बिका है 2,65,000। और दोस्तों बात करें बाकी फिल्मों के बारे में तो मिशन मंगल का नेशनल चेन टिकट बिका था 2,71,000। संजय दत्त की फिल्म संजू का टिकट बिका था नेशनल चेन में 2,94,000 का। वहीं दोस्तों ब्रह्मास्त्र का टिकट बिका था 3,20,000 का। आमिर खान की फिल्म दंगल का टिकट बिका था नेशनल चेन में 3,05,000 का। सलमान खान की फिल्म सुल्तान का टिकट बिका था नेशनल चेन में 3,10,000 का। और सलमान खान की फिल्म भारत का टिकट बिका था नेशनल चेन में 3,15,000 का। और दोस्तों थग्स ऑफ हिंदुस्तान का टिकट बिका था नेशनल चेन में 3,46,000 का। और दोस्तों सलमान खान का एक और फिल्म प्रेम रतन धन पायो का टिकट बिका था नेशनल चेन में 3,40,000। और दोस्तों टॉप पे आप सब जानते हो ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर है, वॉर का नेशनल चेन टिकट बिका था 4,05,000 का। बिल्कुल दोस्तों वॉर फिल्म का नेशनल चेन टिकट सोल्ड आउट हुआ था 4,05,000 का, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों मिशन मंगल, संजू, ब्रह्मास्त्र, दंगल, सुल्तान, भारत, ये सब फिल्मों का पठान रिकॉर्ड तोड़ सकता है नेशनल चेन में। लेकिन दोस्तों वॉर मूवी का नेशनल चेन में रिकॉर्ड तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। अभी दोस्तों पठान का 2,65,000 का टिकट सोल्ड आउट हुआ है नेशनल चेन में और दोस्तों वॉर का हुआ था 4,05,000 का। तो दोस्तों अभी वॉर फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोस्तों अब फिल्म को रिलीज होने में सिर्फ 3 दिन बाकी है। फिलहाल दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों आपको क्या लगता है वॉर फिल्म का नेशनल चेन में पठान रिकॉर्ड तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा, लिखकर जरूर बताना कॉमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।